एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी टाइम हुआ है 12:30 और मैं जा रही हूँ अनिका को लेने। और भी कुछ काम है वो भी कर लूँगी उधर, और अनिका को स्कूल से लेके आऊँगी। वैसे उसने कल बोला था कि मम्मा आना, तो मैं नहीं जा पाई थी उसको लेने। तो वो दोपहर में आके गुस्सा थी मुझसे कि मम्मा आप लेने क्यों नहीं आए। तो वही मैं लेने जा रही हूँ, 1 बजे उसके स्कूल में छुट्टी होती है, फिर उसको उधर ही से लेके जो भी काम है वो कर लूँगी। तो गाइस, न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में, और एंड तक बने रहना। और आज के ब्लॉग में हम आपको वो प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग जो हमसे बात मम्मी से बात हुई है, और ज़्यादा क्लियर आवाज़ तो नहीं आपको सुनाई देगी क्योंकि हम लोग गाड़ी के अंदर थे और मम्मी का सेल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो उनके मोबाइल में इतनी क्लियर आवाज़ आती नहीं है, बट रिकॉर्ड हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि शायद आप झूठ बोल रही हैं, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, और आपने ऐसे ही बोल दिया, इसीलिए मुझे वो बनाना पड़ा। और मैं नहीं बनाती, काफ़ी टाइम से मम्मी बात कर रही थी पर मेरे माइंड में था ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, इतनी तो मैं बुद्धू हूँ। लेकिन फिर मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत। तो जो भी कर रहा है, मुझे ये तो पता है कि मेरी ससुराल के ही तरफ का है। कुछ महीने पहले जब इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एक नटकी की, मेरे नाम से फेक आईडी बना के, और मेरे भी जितने जानने वाले हैं उनसे खूब सारे रुपए लिए थे उसने, तब भी वो मेरे ससुराल की तरफ का था। तब मैंने जब कंप्लेन किया जाके, तब उसने करना बंद किया था। वो हद तो उन्होंने पार ही कर दी थी। मेरे एक जानने वाले थे भैया, उनसे तो 2-2.5 हज़ार रुपये ले लिए, बहुत लोगों से उसने लिए थे रुपये। मुझे बराबर कॉल आ रहे थे कि आपको रुपए की ज़रूरत है, और मेरी मतलब मेरी फ़ोटो वगैरह लगा के मेरी पोस्ट उस पर डाल के उसने बहुत लोगों को लूटा था। और अब मुझे कॉल कर कर के परेशान किया जाता है, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है गाइस। और बाकी तो लोगों को तो बहानेबाजी लगती है, पता नहीं क्या क्या लगता है। खैर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं खुश हूँ और टेंशन फ्री हूँ अभी। और हम पहुँच गए हैं मनसा रामन, और अभी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि मैंने 2 दिन से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, मॉर्निंग टू इवनिंग में, शाम सुबह मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे पैरों में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, और हाथ भी बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। तो चलिए फिर बने रहिए, फिर घर पहुंच के हम आपको बताते हैं कि क्या बात है क्या नहीं है। तो बने रहिए फिर गाइस। अनिका, खाना है कि चले? पीछे पीछे नमस्ते अंकल। अरे अनिका, नमस्ते अंकल। क्या छुट्टी हो गई? अच्छा, यहाँ पे हम अनिका को लेके गए थे उसके नानू के पास, और फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे, जो भी मुझे काम था वो कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। तो प्लीज़ फैमिली एंड तक रहना, और तभी समझ में आएगा। तुम्हारी यही पहचान है ना, अच्छे लोगों की? आप क्या सुनाओगे बात, बताइए, बताओ यहाँ से काम क्या है ये बताइए। जब तक वो रहे तब तक तो कोई का काम नहीं है, अब वो नहीं है तो इसका मतलब सब लोग फोन करोगे, फोन करके किसी को बदनाम करोगे ना, तुम्हारे माँ बहने हैं नहीं। हाँ सुनाओ मेरी अपनी। तो यहाँ पे गाइस मम्मी की बहस चल रही थी कि कौन हो, कहाँ से, क्यों कर रहे हो फोन, और हम डालना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रहे थे वीडियो, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं डालो क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रही हो, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग ही, और जिसके साथ होता है ना वही गाइस समझ सकता है, दूसरों को तो बस बातें ही लगती हैं कि हाँ झूठ बोल रहे हो या जो भी है। और
तो वही सब चीजें हैं। तो तभी से ये लास्ट कॉल था जब हम लोग छठ माता के मंदिर जा रहे थे, उसके बाद सॉरी छठ माता की पूजा में जा रहे थे, उसके बाद से तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। लेकिन मैंने ये वीडियो डाली है आज, और तो आप लोग देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी। उधर से वॉइस उसकी बहुत कम आ रही थी क्योंकि मम्मी का पुराना फ़ोन है और गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, इसलिए और भी कम आ रही थी, लेकिन मम्मी की आवाज़ तो आपको सुनाई ही दे रही थी। तो फिर चलिए मिलते हैं। तो गाइस हम आए हुए हैं मामी के वहाँ, मामी हमारी है नहीं, उनकी चाबी मेरे पास है, मामी 3 दिनों से नहीं है घर पर, और तो हम खोलने आए हैं ताला और जलाने आए हैं उनकी घर की लाइट, क्योंकि मंदिर में भी दीपक मामी डेली जलाती थी ना, तो इस टाइम पे दीपक जल नहीं पा रहा है और पंखा जला दिया मैंने, और तो लाइट जलाने के लिए मैं आई थी। मामी ने कॉल, मतलब मामी 3 दिनों से नहीं है, पूरा घर मामी का सूना है, मंदिर भी, मंदिर में दीपक नहीं जला है, इस वजह से शाम का 5 बज गया, तो मैं दीपक जलाने आई थी, जला दूंगी क्योंकि भी मामी 2-3-4 दिन अभी नहीं आएंगी इसलिए। और आज जल्दी जल्दी में मैंने गाइस सलवार को अपना उल्टा ही पहन लिया, इतना मेरा दिमाग कट गया है कि मुझे ये तक ध्यान नहीं कि मैंने सलवार को उल्टी पहनी है, ये देखिए और यहाँ तक चिली आई, जिसने देखा होगा ना तो सच्ची में कह रहा होगा लड़की पागल है पागल है पागल है कोई ना, पता नहीं क्यों क्या सोच रही थी, जल्दी जल्दी में पहन लिया। तो चलिए फिर हम दीपक जलाते हैं और तुलसी माता में जल डाल देते हैं, फिर घर चलते हैं क्योंकि घर पे अनिका अकेली है। मार्केट से आई हूँ बस कपड़े चेंज करके और सीधे इधर चली आई हूँ, पूरा दिन हमको आज मार्केट में लग ही गया वहाँ पे। तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए मामी के घर, तो मामी के घर आए हैं जैसे आपको मैंने बताया ही, तो यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं तुलसी में और फिर दीपक वगैरह जला देंगे और फिर चले जाएंगे घर। तो मामी है नहीं, अपनी दीदी के वहाँ गई हुई हैं और दीदी का जो बच्चा है छोटा वाला, उसको बुखार था 2-3 दिनों से और बुखार जा नहीं रहा था, इसलिए मामी देखने गई थी, मिलने गई हैं, तो वो रुक गई थी, तो चाबी दे के गई थी कि साफ़ सफाई कर देना और दीपक वगैरह जला देना, क्योंकि मामी दोनों टाइम पूजा करती हैं, मंदिर में भी दीपक जलाती हैं और शाम को घर के बाहर भी गेट के पास दीपक जलाती हैं, और जलाना भी चाहिए सबको, अपने घर के बाहर एक दीपक ज़रूर रखना चाहिए शाम शाम को, मेरे वहाँ भी रखा जाता है, पूजा रखती है, और मैं अपने ससुराल में भी दीपक जलाती थी मेन गेट पे एक, और एक शमी भगवान पे दीपक मैं डेली का डेली जलाती थी, और तो सभी को जलाना चाहिए, जितने लोग नहीं जलाते हो गेट के पास नहीं रखते हो दीपक, तो आज से रखना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे मैं मंदिर में दीपक जलाने जा रही हूँ, पूजा कर दूँगी और फिर घर चली जाऊँगी, क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको अनिका घर पे है मामी के साथ में और ढूंढने लग जाएगी मुझे, मैं उसको लेके नहीं आई थी, और क्योंकि वो थक जाती हैं और फिर गोदी गोदी करने लगती हैं, मम्मा गोदी ले लो, इस वजह से पूजा यहाँ पे थी, पूजा सूट कर रही थी। तो गाइज मैंने जो आपको वो वीडियो सुनाई है थोड़ी बहुत, बाकी तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो हाँ मम्मी ने मतलब जब से बोला है तब से तो कोई कॉल नहीं आया, लेकिन हाँ इतना किसी को सच में परेशान नहीं करना चाहिए, मैं वैसे भी ऑलरेडी परेशान रहती ही रहती हूँ, और जिस पे होता है वही समझता है, बाकी तो सबको मज़े आते हैं ना परेशान करने में, लेकिन इतनी सी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ भी लिया है, कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं परेशान करने वाले को परेशान करते हैं, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ ना, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप जितना भी मुझे परेशान करोगे आप मुझे अब हंसता हुआ ही देखोगे, क्योंकि आप मुझे परेशान ही देखना चाहते हो कि ये रोए और बस परेशान रहे, तो मैं आप सुन लो कान खोल के, जितना भी परेशान करना है कर चुके हो, आप परेशान नहीं कर पाओगे मुझे, और तो वही चीज़ें भगवान भी है मेरे साथ में, वो भी देख रहा है,
और तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है, बाहर जाके दीपक रख दूँगी, वो भी चला दूँगी वहाँ पे गेट के पास। थोड़ी देर मामी के घर पे बैठूँगी, और क्योंकि दीपक जलाने के बाद तुरंत से तो नहीं जाऊँगी, और थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट उसके बाद अपने घर चली जाऊँगी। तो चलते हैं और बाहर को दीपक रखते हैं, और इसी के साथ में फिर आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। और तो मैंने यहाँ पे दीपक रख दिया है, और फिर चलिए थोड़ी देर में बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर। तो गाइज इसी के साथ में मैं आज का ब्लॉग एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए अपनी फैमिली के साथ में, खुश रहिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ। ओके गाइज बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी गाइज, बाय।